आज मैं बताऊंगी आपको कि घर पे पनीर कैसे हम बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मार्केट की तरह रहते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले एक बर्तन। अब मैंने 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। अब इसे अच्छी तरह उबाल लेना है। ये देखिए दूध में उबाल आ चुके हैं, दूध उबल चुके हैं। अब मैं इसमें नींबू का रस ऐड करनी हूँ। ये देखिए छेना हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे चाहे फिर मिठाई बनाएं या फिर इसे पनीर बना लें। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए मैंने छानने के लिए कॉटन वाइट कपड़ा का यूज़ किया है। इसे अच्छी तरह छान लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और आप इस पानी को फेंके नहीं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं जैसे सब्जी के ग्रेवी बनाने में और फिर आटा गूंदने के टाइम। ये देखिए अब इसे हम अच्छी तरह से गुनगुने पानी से धो देंगे ताकि नींबू का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। अब इसे अच्छी तरह से हम इसे घुमा घुमा कर पानी निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस किसी भारी सामान से दबा लेना है ताकि अच्छा पनीर बन जाए। ये देखिए मैंने जो पानी निकाला था मैं उसी से इसे दबा ले रही हूँ। देखिए हमारा पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर हमारा रेडी हो चुका है। कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मार्केट की तरह। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।